वेलकम अगेन टू माय चैनल डेवलपर्स। आज मैं फिर एक एपिसोड लेके आई हूँ जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि इनवैलिड क्रैशेस कहाँ और कैसे होता है और उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं एक प्रोजेक्ट बना लेती हूँ। ये प्रोजेक्ट बनते बनते मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों इनवैलिड क्रैशेस होते हैं और आपको समझ में कैसे आएगा कि इनवैलिड क्रैशेस का इशू हो रहा है। जो सबसे इफेक्टिव एरर है वो है आपको ये XML का व्यू आना बंद हो जाएगा। और एक हो सकता है कि जब आप फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं तो वहाँ पर वो XML का आईडी इनिशिएट करने पर भी वो रेड साइन दिखाएगा। ये बहुत कॉमन दो चीज है जो इनवैलिड क्रैशेस का इशू हो सकता है। ये आपको फाइल में जाना है, वहाँ से इनवैलिड क्रैशेस आप इसको क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुल के आएगा जहाँ पे दो ऑप्शन लिखा हुआ आएगा। फ्रॉम माई एंड मैं पहला वाला क्लिक नहीं करूंगी और मैं ये इनवैलिड क्रैशेस एंड रिस्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगी। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये पूरा एंड्रॉइड स्टूडियो का बंद कर देगा। अभी एंड्रॉइड स्टूडियो में अगर आप काम कर रहे हैं 4 projects में तो 4 projects ही बंद हो जाएगा एंड आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर ये अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कैसे ये रिस्टार्ट होते हैं। अभी ये ओपन हो गया है और आप देख सकते हैं आपका प्रोजेक्ट फिर से बिल्ड हो रहा है, क्लीन करके ये रिबिल्ड कर रहा है प्रोजेक्ट को। तो ये टाइम लेगा, पूरा इसे रिबिल्ड होने दीजिए, उसके बाद ये पूरा तैयार होके आपके सामने आएगा। और ये है मेरा ग्रैडल फाइल। आज के डेट में ये बहुत ही रिसेंट प्रोजेक्ट है, आप चेक कर सकते हैं। और ऐसे आप इनवैलिड क्रैशेस को कंप्लीट करके ये प्रोजेक्ट आप फिर से और एंड्रॉइड स्टूडियो आप फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।